Hi guys, I'm Shivam Gupta, owner and founder of Mockzone MBA Revision. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to pay for MBA CET 2022 exam, because in this video, I'm going to discuss about the preparation strategy for CET exam. So guys, in this video, I'm going to tell you 6 golden rules for CET. Because there are a lot of people who are starting this time preparation and a lot of freshers will be. So you guys basically the mistakes karte ho, CET ko preparation karte time. Uske bare mein batane wala hu. Aur ab wo kya kya pointers yaad rakhne hain. प्रिपरेशन के टाइम पे तो आपके लिए अच्छा रहे, क्योंकि गाइस स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। टाइम सबके पास होता है, काफी लोग एक एक दो दो साल से तैयारी कर रहे होते हैं एग्जाम्स की, बट उनका तरीका काफी गलत होता है, जिस वजह से वो काफी बार रिपीट करते। तो गाइस ये वीडियो अगर आपने ढंग से फॉलो किया, जो मैंने बोला उसको अगर अप्लाई किया, तो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ना ही बढ़ना है। जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, सबकी हेल्प हो जाएगी। एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज अब लगातार सीईटी की सीरीज बनने वाली है, मैं काफी शॉर्टकट से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप लोगों की काफी हेल्प होने वाली है। चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट काम और करना, हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करना, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलो गाइस देख लेते हैं। तो गाइस पहला पॉइंटर क्या है, पहली चीज गाइस क्या है, सीईटी के लिए की काफी जब भी बात आती है एमबीए सीईटी की, तो लोग मॉक्स के पीछे भागते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मॉक्स दे दो, कितने मॉक्स दें। ये ठीक है, सब कुछ करना चाहिए, ठीक है, बट ये एक बात का प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस होता है कि आपको सिलेबस देखना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तो मैं बेसिक चीज बताइए। तो गाइस हम लोग का पहला पॉइंटर जो है वो है, आपको डिटेल्ड वे में एमबीए सीईटी का सिलेबस को देखना है कि क्या क्या आता है, और लास्ट ईयर का जो पेपर आया था उसके बाद तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो हमने एक लेटेस्ट वीडियो बनाया है एमबीए सीईटी के सिलेबस में, वाला वीडियो आप जाकर देख लेना, एमबीए सीईटी डालना कॉमन लगा के मॉक जोन यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा सिलेबस, ठीक है, डाल देना वो। तो गाइस वो जो सिलेबस मैंने बनाया है, वो जो मैंने बताया वीडियो में सिलेबस, वो काफी डिटेल्ड है, उसको अगर फॉलो करोगे तो आई डोंट थिंक वो नया क्वेश्चन देखना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि लास्ट ईयर आपका लॉग परमिटेशन कॉम्बिनेशन बी एंड सब कुछ आ गया था, आपको सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा गाइस, आप कुछ नहीं छोड़ सकते हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ छोड़ ही नहीं सकते हो। लास्ट ईयर के बाद तो आपको और सीरियस हो जाना चाहिए। अभी तक क्या था कि क्वांट्स में अर्थमेटिक दी जाती थी, कर लेते थे आप, ठीक है, बट लास्ट ईयर सब कुछ आ गया। तो पहली चीज है गाइस एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले कि आपको पढ़ना क्या है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तभी आपको स्ट्रेटेजिकली बढ़ पाओगे आप, ठीक है। अब गाइस पहला काम क्या करना है आपको, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी अपना, मतलब डिटेल में आना में करना है। डिटेल में आने का मतलब मेरा क्या है कि आपको हर चैप्टर को ढंग से पढ़ना है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं लगाने कि कैट में पहुंच जाओ, बट हाँ एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाने, क्योंकि वर्स्ट केस में दे सकता है सीईटी एग्जाम अपना। और दूसरी बात क्या है, आपको टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ना है किसी भी हाल में, आपको हर टॉपिक को इक्वल वेटेज देना है, जितना अच्छे से आप परसेंटेज पढ़ते हो उतने ही अच्छे से आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको बाद में, हम नहीं चाहते कि बाद में एग्जामिनेशन हॉल से निकल के रिग्रेट करो यार स्टैटिस्टिक्स से 5 क्वेश्चन आ गए, अगर आ जाएंगे तो कर क्या लोगे आप, कोई मना तो कर नहीं पाओगे, सीटी को जाके ये कैसे दे दिया, यही होता भी है। इस बार टेस्ट में 4 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आ गए थे, ठीक है, और बच्चों को बताया गया था किसी फैकल्टी के थ्रू कि प्रोबेबिलिटी छोड़ दो, तो मैंने बोला है, ठीक है, कि बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी रखो, अगर आपको रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं चाहिए, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से करो, क्योंकि जितने भी नॉन कैट एग्जाम है ना गाइस मेनली स्पीड बेस्ड, ये लोग टफ बनाने के लिए बस यही करते हैं, वैरायटी देते हैं, क्वालिटी क्वेश्चन एलजेब्रा के जितने टॉपिक्स हैं इन क्वालिटी वगैरह सब कुछ आपको आना चाहिए अच्छे से, और नॉट ओनली इन क्वांट्स, एलआर में भी, वीआरसी में भी, एब्स्ट्रैक्ट में भी, सब में, एब्स्ट्रैक्ट में वाटर इमेजेस, मिरर इमेजेस जितना भी हो सकता है सब, एलआर में सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए अच्छे से। तो सबके अच्छे से टॉपिक्स करो, जहां से भी आपने कर रहे हो, यूट्यूब से कर रहे हो, आपने कोई कोचिंग ली है, जहां से भी कर रहे हो, ठीक है, मेक श्योर करो कि सब कुछ हो, और सबके कुछ डिसेंट नंबर क्वेश्चन लगाओ ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। देन वी हैव लर्न द शॉर्टकट्स ऑफ ऑल द पॉसिबल टॉपिक्स ऑफ क्वांट्स एंड एलआर, आप मेक श्योर करो कि आपने शॉर्टकट्स लगा रखे हो, आपको मतलब जितने भी क्वांट्स के एलआर के टॉपिक हैं जिसके भी शॉर्टकट बन सकते हैं सब आपको आने चाहिए, क्योंकि गाइस शॉर्टकट अगर नहीं आया ना सीईटी में आप टाइमली काम नहीं कर पाओगे, और सीईटी बहुत ज्यादा स्पीड बेस्ड एग्जाम है, 200 क्वेश्चन के लिए 2.5 घंटा मिलता है आपको। तो गाइस इस पर ध्यान देना कि आपने क्वांट्स एंड एलआर के जो भी टॉपिक्स करे हो, जो भी किया सब करोगे, तो मेक श्योर करो आप मतलब अपने आप से पूछो कि क्लॉक्स चैप्टर जैसे है एलआर का, तो क्लॉक्स का शॉर्टकट कुछ बन सकता है, या जितनी वैरायटी सब कर लिया आपने कि नहीं कर लिया उसको फिर आगे टिक लगाओ, ठीक है, या फिर आप एक काम कर लो, अपना जो सिलेबस हमने दिया उसका प्रिंट आउट निकाल लो, उसको टिक लगाते जाओ, ठीक है। ऐसा ही आपका कोई भी टॉपिक आपको लगे जिसका भी शॉर्टकट पॉसिबल है, अगर आपको नहीं पता है कि पॉसिबल है कि नहीं, आप सर्च करो, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करो, फैकल्टी से पूछो अपनी कि शॉर्टकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब हो जाएगा, शॉर्टकट आना बहुत जरूरी है, ठीक है, शॉर्टकट से आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा। फिर गाइस हमारे पास क्या है, वीएआर सेक्शन को काफी लोग इग्नोर करते हैं,
बट वीआर सेक्शन ऐसा सेक्शन है गाइस, कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर सकते हो अगर आप ढंग से पढ़ाए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें क्या आता है, ग्रामर। ग्रामर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस करेक्शन जो क्वेश्चन आते हैं ग्रामर से ही होते हैं। उसके लिए आपको सब्जेक्ट वेयर एग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा, मॉडिफायर्स, डिटरमाइनर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच से पढ़ना पड़ेगा। तो ग्रामर को बहुत अच्छे से पढ़ो, पैरा जंबल्स का ढंग से प्रैक्टिस करो, बिकॉज कभी कभी हैवी पैरा जंबल्स आ जाते हैं एग्जाम में। वोकैबुलरी तो बहुत अच्छे से करो, बिकॉज वोकैबुलरी अगर आपको आ गई तो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड वोकैबुलरी क्वेश्चन भी हो जाएंगे और जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीआरसी में ज्यादा फोकस करो, वीआरसी को काफी लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, अच्छे से अगर आपने कर लिया प्रैक्टिस तो आपका नंबर आ जाएगा वीआरसी में, क्योंकि गाइस यही कुछ सेक्शंस होते हैं जो आपके नंबर बढ़ाते हैं ओवरऑल। ठीक है, टारगेट एटलीस्ट 35 से 40 मॉक्स विद प्रॉपर एनालिसिस। गाइस मॉक्स आपको देने, बट मॉक्स आप देना स्टार्ट करो 15 मई के बाद, क्योंकि गाइस अभी आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। एक बार सिलेबस डिटेल में कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप मॉक दे सकते हो आराम से। बट ये सिचुएशन सबके लिए नहीं है, आपको रिपीटर है किसी को सब कुछ आता है तो वो मॉक दे सकता है अभी से भी। बट जनरली बता रहा हूँ कि एक बार सब कुछ हो जाए आप खुद अच्छा लगेगा मॉक देने, क्योंकि 15 मई से लेकर 25 जून तक भी आप काफी मॉक दे दोगे, एक दिन में दो मॉक भी दे सकते हैं। और मैं मानता हूँ जब आप मॉक दो तो आपका अच्छा स्कोर है। मैं नहीं चाहता कि आपका 60 मार्क्स 70 मार्क्स ऐसा आ रहा हो, फिर आपको मोटिवेशन ही नहीं आएगा। और गैस अगर आप इम्प्रूव नहीं करोगे तो स्कोर उतना ही आएगा आपका, आप बस सोचते रहोगे मेरा स्कोर बढ़ जाए। आप मॉक दोगे ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए कि मेरा कब स्कोर 100 के ऊपर आएगा, 10 में से एक बार आ भी गया तो क्या फायदा है उससे। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी कोई भी टॉपर होता है बताए, टॉपर्स जो भी होते हैं उनकी स्ट्रैटेजी यही होती है। जो भी आपको देखेगा ना कंसिस्टेंट, वो बंदे ने सब कुछ कर रखा है पहले तभी कंसिस्टेंट है। किसी मॉक में कंसिस्टेंसी आ ही नहीं सकती ऐसे अगर आपने सब कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, आपका ही लक कर रहे हो कि एक बार 120 आ गया खुश हो गए, बाकी बार 80 आ रहा है ऐसे उड़ी आएगा JBIMS। आपको सब कुछ करने के बाद अपने आप आपका नंबर आएगा, फिर जो गैप रह जाएंगे वो मॉक से इम्प्रूव होंगे मॉक एनालाइज करके। ठीक है, तो मॉक होते हैं एनालिसिस के लिए। और दूसरी बात, अपने वीक एरियाज पे आपको हमेशा काम करना, चाहे आपको जितना स्कोर आ रहा हो, इवन आपका 150 भी आ रहा हो 10 बार, तब भी आपको देखना और क्या इम्प्रूव हो सकता है। क्योंकि पेपर एक्चुअली सीईटी में क्या आएगा वो अलग, वो जानता है सीईटी, तब वो किसी भी आदमी को नहीं छोड़ना। और खुश होके पार्टी करना ठीक है, बट ऐसा नहीं कि मॉक स्कोर आने लग गए तो एनालाइज करना भूल ली, एनालिसिस सब वो करना ही ढंग से। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है काफी। तो ये चीज है, सो गाइस ये पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीजें अगर आपने फॉलो कर ली, मैंने जो बोला वैसे किया, तो गारंटी बता रहा हूँ आपका स्कोर जितना भी अभी आ रहा है उससे ज्यादा ही आएगा और आपका इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है आप कंटेंट कैसा यूज कर रहे हो, कितना डीटेल में पढ़ रहे हो, बट आप जहाँ पे अभी हो उससे आगे ही जाओगे इसको करने का। ठीक है, तो गाइस ये चीज थी। बाकी गाइस हम लोगों का फ्री मॉक भी लाइव है सीईटी का। फ्री मॉक की डेट हम लोगों ने 8 अप्रैल से 15 अप्रैल कर दी थी, 8 to 15 की विंडो बना दी, बिकॉज 9th को काफी लोगों का सीमेट था इस वजह से। तो 15 अप्रैल के बाद हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे, उन लोगों को कॉल या मेल आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। काफी ज्यादा रिलेवेंट है सीईटी मॉक, काफी लोगों से फीडबैक लिया इस बार, जिन लोगों ने दिया था मॉक तो उनको काफी अच्छा लगे मॉक्स। ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने मॉक को भी अपडेट कर दिया है और मॉक हम लोग देख के एनालाइज करने के बाद आपको बहुत इंप्रूवमेंट होने वाला है। अभी सीमैट हुआ था, सीमैट के भी काफी अच्छे रिव्यूज हैं मॉक के और कोर्स के भी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप वाकई अच्छा करना चाहते हो सीईटी में, एक डिटेल मैनर में पढ़ना चाहते हो, यू कैन चेक आउट अवर सीईटी कोर्स, काफी डिटेल्ड कोर्स है, सब कुछ इसमें मिलेगा। लाइव जूम क्लास है, शॉर्टकट्स, टेस्ट सीरीज, 18 फुल लेंथ मॉक, 550 टॉपिक टेस्ट, प्रैक्टिस सेशंस भी हम लोग लाने वाले हैं व्हाट्सएप पे। तो ओवरऑल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का कोर्स है, अच्छे से करोगे फॉलो पूरा चांस है जेबी जाने का। ठीक है, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, बाकी डिटेल्स अगर चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना एक बार। ठीक है, मैं व्हाट्सएप में आपको सारा डिटेल्स भेज दूंगा, रिव्यूज भेज दूंगा और डेमो वीडियोस भेज दूंगा देख लेना। बट एक स्ट्रक्चरल वे में करने से होता है गाइस, टाइम से कुछ नहीं होता है। 2-2, 3-3 साल से लोग सीईटी दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, टाइम से कुछ होता ही नहीं। आप कैसे पढ़ रहे हो मैटर वो करेगा, अगर आप हर बार गलती करोगे आपका हर बार रिपीट करोगे आप, ऐसा ही होता है यहाँ पे। काफी लोगों को आता नहीं पढ़ना ढंग से कि स्ट्रक्चरल स्टडी क्या होती है, स्ट्रक्चरल वे में मतलब होता है वेराइटी। ठीक है, हम लोग पढ़ाते हैं बहुत ही डिटेल मैनर में, हम लोग के लिए नंबर ऑफ क्लासेस मैटर करती ही नहीं। ठीक है, हम लोग के लिए मैटर करता है कि आपको कोई नया क्वेश्चन ना देखे, ये मैटर करता है। ठीक है, तो प्रॉमिसिंग कोर्स है, करोगे तो हो जाएगी चीजें। एंड काफी लोग लाइट रहा हूँ कि लास्ट ऑप्शन होगा, एटलीस्ट महाराष्ट्र कोटा वालों को तो देना ही चाहिए सीटी हर हाल। ठीक है, बाकी गाइस यू कैन व्हाट्सएप एट दिस नंबर कोई डाउट हो। ठीक है, एंड mockzone.in/CET में जाके फ्री मॉक दे सकते हो और कोर्स एंड मॉक दे सकते हो। चलो गाइस, बाय।